पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 29 तारीख को दिल्ली में नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाएंगे। उसके पहले राजनीतिक गलियारे में हलचले तेज हैं कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला करेंगे। नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी की खोज में भी लगे हुए हैं। कहा तो ये जा रहा है नीतीश कुमार अब रिटायरमेंट के चक्कर में है, यानी कि राजनीति से संन्यास भी लेंगे। हालांकि पर्दे के पीछे रहकर नीतीश कुमार बॉस बने रहेंगे, ऐसी भी चर्चा है। कल ही हमने आपको खबर में बताया था कि नीतीश कुमार असली बॉस जदयू के रहेंगे, लेकिन पर्दे के सामने कोई और रहेगा। बैकग्राउंड से जाकर नीतीश कुमार सारे काम को संभालते हुए दिखेंगे, यानी कि कई तरह की चर्चाएं चल रही है। हालांकि ये कहना बेहद जल्दबाजी होगा कि नीतीश कुमार राजनीति से अब संन्यास लेंगे। नीतीश कुमार जब भी कोई फैसला लेते हैं वो बड़े सोच समझ के फैसले लेते हैं। इन सब के बीच में तमाम जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं, जिनको ऐसा लगता है कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर उनकी जो है लोगों ने सहमति नहीं जताई, 40 में से 10 सीटें उनको गंवानी पड़ी है और 30 सीटों पर ही इस बार सबर करना पड़ा है, तो वो 10 सीटें कैसे हम लोगों ने गवा दिया, इसको लेकर के ताबड़तोड़ समीक्षा बैठक चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बैठक होने वाली है, समीक्षा बैठक। इस बैठक में विनोद तावड़े, जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहेंगे। इस बैठक में फैसला होगा कि आने वाले वक्त में प्रदेश अध्यक्ष का कमान किसे सौंपा जाए। देखिए, कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी खतरे में है, दोनों कुर्सी, डिप्टी सीएम की भी, प्रदेश अध्यक्ष की भी। हालांकि मंत्री की कुर्सी सेफ है, ये इस बात की पक्की खबर है, लेकिन दोनों कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, तलवार लटक रही है। किस कुर्सी पर कब तलवार गिर जाए कोई नहीं जानता है। विनोद तावड़े पहुंच रहे हैं राजधानी पटना, माफ कीजिएगा, पहुंच गए हैं विनोद तावड़े और बीजेपी के अंदर कार्यालय के अंदर शाम 3 बजे से ये एक बड़ी बैठक वो करेंगे। इस बैठक में बहुत कुछ निकल के सामने आने वाला है। बिहार बीजेपी ने अपने तरफ से एक समीक्षा बैठक की, जिसमें सम्राट चौधरी के साथ तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। एक बार फिर से समीक्षा बैठक होने वाली है। 2025 का विधानसभा भी देखना है, विधानसभा के पहले प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी किसे सौंपी जाएगी, इसको लेकर के भी चर्चा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस फैसले में क्या कुछ होता है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि बीजेपी की बेचैनी बड़ी है कि किन लोगों ने हमें हरा दिया, 10 सीटें कैसे हम लोगों ने गवा दी एनडीए गठबंधन की। इस पर समीक्षा बैठक लगातार जारी है। समीक्षा बैठक से जो निकल के सामने आएगा उस पर हम आपको अपडेट देंगे। जुड़े रहे भारत लाइव पर, तमाम खबरें लगातार आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816।